होती है उसकी अपनी ही वाइब होती है। और आजकल जो हम लोग को देखते हैं कि ये मोस्टली जो ये वाली कार्स होती हैं हमें फिल्म्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, जो कि स्पेशली जो एक्शन रिलेटेड मूवीज। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सही सलामत होंगे। तो आपका स्वागत है वर्ल्ड जैक्सन इंडिया के एक और नए मिक्स जैक्सन वीडियो में। सो गाइस, कभी पहले आपने माफिया कार्स के बारे में सुना है? जी हाँ, माफिया कार्स शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना होगा, पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने नहीं सुना होगा। तो उन्ही के लिए आज का 10 माफिया कार्स का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आज के वीडियो का नाम है 10 माफिया कार्स जिसका स्वैग अलग लेवल का है, टॉप 10 कार्स दैट गिव यू माफिया वाइब। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल से देख ही लिया होगा कि ये वीडियो 10 माफिया कार्स पे होने वाली है। क्या आप इन 10 माफिया कार्स में से किसी कार को ओन करते हैं? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल रिएक्शन चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप किसी वीडियो का मिक्स रिएक्शन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस वीडियो का मिक्स रिएक्शन आपके लिए जल्द ही लेकर आऊंगा। तो आप इंजॉय करिए रिएक्टर्स के रिएक्शन एंड वीडियो को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। क्यों भाई? जब से कार्स लॉन्च हुई हैं, हमने इन्हें इतना पसंद किया है कि कार को भी अपनी अलग पहचान दे दी है। कुछ कार्स को सेलिब्रिटीज ने बहुत यूज किया तो उन्हें लोग सेलिब्रिटी कार कहने लगे। कुछ कार्स को फैमिली पर्सन ने यूज किया तो उन्हें फैमिली कार्स कहा जाने लगा। वहीं कुछ ऐसी कार्स भी आई जिन्हें यूपी की लैंग्वेज में भौकाली गाड़ी कहा गया। इन्हें माफिया ने ऐसे यूज किया कि आज इन्हें माफिया कार भी कहा जाता है। इनके अंदर भले कोई सीधा साधा इंसान बैठा हो पर कार को देख कर ही लोग उससे दूर रहने में अपनी भलाई समझते हैं। आज की वीडियो में हम इंडिया और दुनिया भर में चलने वाली टॉप 10 माफिया कार्स के बारे में जानेंगे, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नंबर 10, टाटा सफारी। दोस्तों, इंडियन मार्केट में टाटा मोटर्स ने 1998 में टाटा सफारी एसयूवी को लॉन्च किया था। ये काफी बड़ी एसयूवी थी जिसमें 7 लोगों के बैठने की जगह थी, 2.1 लीटर पेट्रोल और 2.2 और 3 लीटर डीजल इंजन के साथ ये काफी ज्यादा पावरफुल कार थी। इतनी कि देखते ही देखते पूरे देश में पॉपुलर हो गई, साथ ही विदेश में भी। लॉन्च के महज एक साल के बाद 1999 में ही इस कार को यूरोप में भी एक्सपोर्ट किया जाने लगा। सफारी के ब्लैक कलर को माफिया टाइप के लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया कि पावर ही इसकी पहचान बन गई। इसकी ताकत को देखते हुए इंडियन आर्मी और बांग्लादेश की आर्मी ने भी इसे यूज किया। आज भी ये प्राइम मिनिस्टर के काफिले में यूज की जाती है, हालांकि अब इसकी नई जनरेशन लॉन्च हो चुकी है। नंबर 9, महिंद्रा स्कॉर्पियो। दोस्तों, महिंद्रा की स्कॉर्पियो को महिंद्रा कंपनी ने ईयर 2002 में लॉन्च किया था। इस कार को महिंद्रा ने सफारी को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया था, इसीलिए सफारी के जैसे ही इसे भी काफी ज्यादा पावरफुल रफ एंड टफ बनाया गया था, ताकि इंडियन मार्केट में पावर, रफ ड्राइविंग और भौकाल कसने वाले लोग इसे ज्यादा पसंद करें। महिंद्रा तब कार के सेगमेंट में एकदम नई कंपनी थी और उसने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इस एसयूवी को लॉन्च किया था। पर लॉन्च होते ही इस एसयूवी को इतना ज्यादा पसंद किया गया कि 20 साल के बाद आज भी ये उतनी ही ज्यादा फेमस है जितनी की 20 साल पहले थी। इसे बहुत से अवार्ड मिले और माफिया वाइब्स के लिए लोगों ने इसे काफी ज्यादा पसंद किया। इसे अनगिनत मूवीज में भी ऐसे ही लोगों के लिए दिखाया गया। माफिया के जवाब में पुलिस डिपार्टमेंट ने भी इस कार को बहुत ज्यादा यूज किया। नंबर 8, थार। दोस्तों, पिछले तकरीबन 100 साल से ये कार दुनिया भर में रफ एंड टफ रास्तों पर जाने के लिए ही पॉपुलर है। हालांकि इसे थार नाम तो चंद साल पहले ही दिया गया है, पर इससे पहले इसका नाम विलीज जीप हुआ करता था। जनरेशन चेंज होती गई, पर 1940 में लॉन्च हुई इस जीप की स्पेशलिटी हमेशा ऑफ रोडिंग, रफ एंड टफ और पावर ही बनी रही। इसका अंदाज हम इस बात से लगा सकते हैं कि इसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम अमेरिका में लॉन्च किया गया था और ये फर्स्ट मिलिट्री जीप थी। तो दुनिया के सबसे बड़े वॉर के लिए जिस व्हीकल को लॉन्च किया गया हो वो पावरफुल तो होगा ही। अमेरिकन कंपनी की इस जीप को 1940 से इंडिया में महिंद्रा मैन्युफैक्चर कर रही थी, बाद में इसका नाम थार रख दिया गया। आजादी के टाइम से लेकर अब तक इसकी पावरफुल और माफिया वाइब्स भी यूज कर रहे हैं। इसी पावर के लिए पुलिस और आर्मी भी इसका आज भी यूज करती है। नंबर
2007 मिट्सुबिशी पजेरो। दोस्तों ये काफी पावरफुल जापानी कार थी जिसे 1982 में लॉन्च किया गया था, जबकि इसका फर्स्ट वर्जन मिट्सुबिशी मॉडल ए नाम से जापान में 1917 में लॉन्च कर दिया गया था। ये जापान की पहली 4x4 व्हीकल थी। इंडिया में लॉन्च होने के साथ ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई क्योंकि ये काफी पावरफुल होने के साथ साथ काफी शानदार लुक्स वाली कार थी। ये स्पेशली पंजाब में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। इसे पंजाब में तो एसयूवीज के क्राउन का ज्वेल माना जाता था। इस 4x4 व्हीकल को बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने और बहुत से माफियाज ने भी यूज किया और यही इसकी पहचान बन गई थी। लेकिन फिर टोयोटा फॉर्च्यूनर के लॉन्च होने के बाद इसकी सेल्स में गिरावट आने लगी और फिर 2021 में इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। नंबर 6 फोर्ड एंडीवर। फोर्ड अमेरिकन कंपनी, इसे अपनी पावरफुल एसयूवीज के लिए ही जाना जाता है और इंडिया में फोर्ड ने अपनी रियल एसयूवी तो केवल एंडीवर ही लॉन्च की थी और फिर लॉन्च होने के बाद ही आज भी ये लाखों दिलों पर राज कर रही है। ये लार्ज पावरफुल फोर व्हील ड्राइव और किलर लुक्स वाली एसयूवी थी, इसीलिए इसे लीगल पावर और इलीगल पावर दोनों ही तरह के लोगों ने यूज किया। नतीजा इस गाड़ी को भी माफिया वाइब्स वाली गाड़ी माना जाने लगा। हालांकि अब फोर्ड इंडिया से जा चुकी है, इसीलिए नई एंडीवर इंडिया में आपको तभी देखने को मिलेगी जब कोई इंसान इन्हें विदेश से इम्पोर्ट करवाए। नंबर 5 टोयोटा फॉर्च्यूनर। दोस्तों इंडिया में नंबर 1 पर अगर कोई भौकाल और पावरफुल वाइब्स देने वाली कार मौजूद है तो वो फॉर्च्यूनर ही है, क्योंकि इंडिया में इस सेगमेंट की कोई भी कार इसे टक्कर नहीं दे पा रही है। सिर्फ एंडीवर इसे टक्कर दे पा रही थी, पर वो भी अब जा चुकी है। बिग माफिया वाली फील अगर किसी को लेना हो तो वो ब्लैक फॉर्च्यूनर को खरीद सकता है। पूरे इंडिया में इसका लॉन्च होने के बाद से ही पावरफुल लोगों ने इसका ऐसा यूज किया कि ताकत, पहुंच और पैसे की ये अलग पहचान बन चुकी है। चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, माफिया हो या फिर कोई पॉलिटिशियन, इंडिया में ऐसे ही लोगों की पसंद ये गाड़ी बनी हुई है अपने शानदार लुक्स और काफी पावर की वजह से। साल दर साल इसकी सेल्स में ग्रोथ ही होती रही है। ये गाड़ी इतनी पावरफुल है कि इसे हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए भी यूज किया जाता है। नंबर 4 रेंज रोवर। दोस्तों हम आ चुके हैं प्रीमियम सेगमेंट में, यानी जब कोई माफिया काफी बड़ा हो जाता है या फिर कोई बेहद पावरफुल इंसान हो जाता है तब वो इस कार को यूज करता है। माफिया की बात का हमेशा से ही वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल लोगों ने ही यूज किया है, इसीलिए ये पावरफुल लोगों की कार बनकर रह गई है। यूं तो ये ब्रिटिश कंपनी है पर इसकी मालिक टाटा मोटर्स है। रेंज रोवर कार में बैठा इंसान कितना पावरफुल हो सकता है, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर शाही परिवार यानी ब्रिटिश रॉयल फैमिली भी इस कार का यूज करती है। जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ 2 को आप अक्सर रेंज रोवर में बैठा देख सकते थे, क्योंकि ये पावरफुल एसयूवी और पावरफुल ऑफ रोडिंग व्हीकल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल भी होती है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नंबर 3 मर्सिडीज जी वैगन। दोस्तों मर्सिडीज जी वैगन को दुनिया की सबसे पावरफुल एसयूवी माना जाता है। इसके इतने पावरफुल होने का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि मर्सिडीज कंपनी ने इसे पब्लिक के लिए नहीं बल्कि मिलिट्री ऑफ रोडिंग व्हीकल के तौर पर लॉन्च किया था, पर बाद में इतना ज्यादा फेमस हो गई कि इसे मर्सिडीज ने पब्लिक के लिए भी लॉन्च कर दिया और फिर इस कार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पॉलिटिशियंस के साथ साथ इसे माफिया कार के रूप में फेमस रशियन लोगों ने कर दिया, क्योंकि रशिया देश के बड़े माफिया और गैंगस्टर्स की ये पहली पसंद बन गई थी, इसलिए आज भी इसके ब्लैक कलर को देखकर लोग अक्सर इसे माफिया कार समझ लेते हैं। नंबर 2 मर्सिडीज एस क्लास। दोस्तों मर्सिडीज एस क्लास ये हमारी लिस्ट की पहली माफिया कार है और पावरफुल व्हीकल है जो एसयूवी नहीं बल्कि एक सेडान है। लेकिन दोस्तों मर्सिडीज की ऐसी कार है कि इससे ज्यादा पावरफुल कार दुनिया में शायद ही कोई हो। पावर इसके इंजन में नहीं बल्कि इसके अंदर बैठे लोगों में होती है, क्योंकि 1972 में मर्सिडीज ने जब इसे लॉन्च किया था तब से लेकर आज तक ये मर्सिडीज की टॉप व्हीकल बनी हुई है। इसको इतना पावरफुल इसलिए माना जाता है कि दुनिया भर के देशों के लीडर यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर किंग इसी गाड़ी से चलना पसंद करते हैं। चाहे जापान हो, टर्की हो, यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर इंडिया, हर देश के ऑफिशियल स्टेट व्हीकल के रूप में इस कार का ज्यादा यूज किया जाता है। इसलिए ये कार जहाँ होती है इसके अंदर बैठे इंसान से ज्यादा पावरफुल शायद ही कोई आसपास का इंसान हो। नंबर 1 मारुति वैन। दोस्तों टॉप पर इसका मुकाबले ना ही ज्यादा पावरफुल ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज है
और ना ही पर इस कार को जब इंडिया में लॉन्च किया गया था उसके कुछ सालों के बाद ही क्राइम के लिए इसका इतना ज्यादा यूज किया जाने लगा। इसको देख कर ही अकेले में खड़े लोग दूर हो जाते थे, गुंडे और माफिया लोगों ने इतना ज्यादा यूज करके बदनाम कर दिया कि एक टाइम ऐसा भी था कि इसे देख कर लोगों में दहशत आ जाती थी। इसमें इतना ज्यादा स्पेस था कि 10 लोग आराम से बैठ जाते थे और बहुत से इलीगल कामों के लिए इसका यूज किया जाने लगा था। पर वक्त के साथ साथ इस पर लगे दाग हटते चले गए क्योंकि इसके इसी स्पेस की वजह से इसे बहुत से अच्छे कामों में जैसे कि एम्बुलेंस के तौर पर भी यूज किया गया। ये इंडिया के उन चुनिंदा व्हीकल्स में से एक है जिन्हें बहुत पहले लॉन्च किया गया था पर आज भी इन्हें सेल किया जा रहा है। तो दोस्तों ये कुछ भोकाली कार्स, माफिया की जो गाड़ियां होती हैं उसकी अपनी ही वाइब होती है। और आजकल जो हम लोग को देखते हैं कि ये मोस्टली जो ये वाली कार्स होती हैं हमें फिल्म्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, जो कि स्पेशली जो एक्शन रिलेटेड मूवीज होती हैं उसमें जो जितना भी एक्शन होता है उसमें जिस तरह हीरो की एंट्री होती है वो ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में होती है और जो है ना वो उसका मजा ही अलग होता है। मतलब वाकई जो माफिया कार्स होती है ना वो अलग ही वाइब दे रही होती है। मतलब वो जो वाइब जो आती है ना कार में वो आती है ब्लैक कलर से। मतलब मेरा फेवरेट जो कार्स में कलर है ना वो ब्लैक है। मतलब एक अलग वाइब आती है आपको उन कार्स में ब्लैक में। जिस तरीके से ब्लैक कलर तो वैसे ही इतना अट्रैक्टिव माना जाता है और मोस्टली सब लोगों का फेवरेट भी होता है ब्लैक कलर। तो वाकई जिस तरीके से जो ब्लैक माफिया कार लगती है ना उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। और यूजुअली अब तो उनको इन सारी गाड़ियों को स्पेशली फॉरेन कंट्रीज में भी यूज किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं और इसको किडनैपिंग गाड़ी बोलते हैं। ये तो बहुत टाइम से पहले क्या क्या सेक्सी गाड़ियां क्यों? लेकिन यार वाकई में आप इंडियन मूवीज देख लो इससे तो अलग डाई आपको ये गाड़ी किडनैपिंग के 90s में आपको ये गाड़ी किडनैपिंग के लिए इस्तेमाल होते नजर आ रहा है। 90s में क्या अभी भी होती है यार किडनैपिंग गाड़ी, इसका तो नाम ही किडनैपिंग वाली गाड़ी रख दिया गया था। यार मजा आ गया आखिरी वो फर्स्ट वाली को देख कर रहे मारुति सुजुकी में क्यों हिला डाला। और भाई इधर मैं आपको बोलूं इंडिया की गाड़ियों में से मैं सबसे ज्यादा जो माफिया लोग देती है ना स्कॉर्पियो और थार, ये जो लोग देती है ना सेक्सी लोग देती हैं यार, सेक्सी किस्म का ये दो लोग देती हैं। लेकिन सफारी भी देती है लेकिन ये दो बहुत आगे हैं। स्पेशली अगर ये दो गाड़ियां ब्लैक कलर में हो उसकी मैं कहता हूँ अलग ही लेवल होता है। सो गाइस आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। एंजॉय किए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप किसी वीडियो का मिक्स सेक्शन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस वीडियो का मिक्स सेक्शन जितना जल्द हो सके मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर आऊंगा। और जाने से पहले गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे आगे ऐसी वीडियोज बनाने की हिम्मत मिलती है और आपकी सपोर्ट की मुझे जरूरत भी है। जल्द ही मिलेंगे आपसे एक और नए मिक्स एक्शन वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, अपना ध्यान रखिए।